बच्चों मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको भूगोल पाठ 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन वन्य प्राणी चैप्टर में वनस्पतियों के प्रकार के बारे में बता रही थी। आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि वनों के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लाभ और वन संरक्षण। तो बच्चों बात करते हैं कि भारतीय वनों की विशेषताएं क्या होती है। तो बच्चों भारत में पाए जाने वाले वनों की निम्न विशेषताएं होती है, जैसे कि भारत जलवायु विभिन्नता के कारण अनेक प्रकार के वन पाए जाते हैं। जलवायु के आधार पर भारत में विषुवत रेखीय उष्ण सदाबहार वन से लेकर ध्रुवीय अल्पाइन वनस्पति तथा मरुस्थलीय कंटीले वन पाए जाते हैं। भारत में मुलायम लकड़ी के वन कम पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन क्षेत्र हिमालय के ऊंचे भाग पर पाए जाते हैं। इन वनों की लकड़ियों का आर्थिक महत्व है। इनका उपयोग फर्नीचर बनाने, मकान के लिए उपयोगी सामान बनाने के लिए किया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं? मानसून वन पाए जाते हैं, जो गर्मियों की शुरुआत में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वन कहते हैं। भारत में पाए जाने वाले वनों में अनेक प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। कुछ वन क्षेत्र इतने सघन होते हैं कि उनका उपयोग पूरी तरह से नहीं हो पाता है। कुछ वृक्षों की लकड़ियाँ इतनी कठोर होती है कि उन्हें आसानी से काटा नहीं जा सकता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि वन संसाधन के महत्व या लाभ। जो वनों के महत्व को इनसे मिलने वाले लाभों से भरी प्रकार समझा जा सकता है। वनों के लाभों को दो वर्गों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वनों से प्रत्यक्ष लाभ। सबसे पहले बच्चों लकड़ी की प्राप्ति। जैसे कि आप जानते हो वनों से हमें विभिन्न प्रकार की इमारती तथा जलाने वाली लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, जो फर्नीचर इमारतों उद्योग धंधों कृषि यंत्रों के निर्माण आदि में सहायक होती है। नेक्स्ट जो हम लोग के लिए उद्योगों को कच्चा माल और माचिस कागज प्लाईवुड रबड़ आदि उद्योगों का विकास वनों पर निर्भर करता है। वनों से विभिन्न उद्योगों के लिए बांस लकड़ी तापी का तेल रबड़ ला वृक्षों की छाल आदि कच्चा माल प्राप्त होता है। नेक्स्ट लाखों करोड़ों व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कुटीर व लघु उद्योगों के
ज्यादा ठंडी हवाएं नहीं आ पाती है। नेक्स्ट है बच्चों पर्यावरण संतुलन। तो वन कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित करके वायु प्रदूषण को रोकते हैं और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों खाद की प्राप्ति। वनों की निकटतम भूमि उपजाऊ होती है क्योंकि वनों के वृक्षों की घास फूस और पत्तियां गल सड़ कर खाद का काम करती है। मिट्टी में वनस्पति का अंश मिल जाने से उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। तो ये सब हमारे क्या वनों के अप्रत्यक्ष लाभ। विदेशी आक्रमण से सुरक्षा, वर्षा में सहायक, भूमि कटाव पर रोक, बाढ़ नियंत्रण में सहायक, जलवायु में नियंत्रण, पर्यावरण नियंत्रण और खाद की प्राप्ति। सरकार द्वारा
का प्रयास किया है। वनों के विकास के लिए भारत को हरा भरा बनाओ आंदोलन भी प्रारंभ किया गया है। इस प्रकार ये हम सबका कर्तव्य हो जाता है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे इन कार्यक्रमों में पूरा पूरा सहयोग दे। मध्य सरकार द्वारा वनों के विकास को व्यापक प्रयास किए गए हैं। वनों के विकास के लिए भारत को हरा भरा बनाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया है। इस प्रकार ये हम सबका कर्तव्य हो जाता है कि सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों में पूरा पूरा सहयोग दे और राष्ट्र को हरा भरा बनाकर राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सके। अब हम बात करते हैं बच्चों, अभी तक मैं आप लोगों को समझा रही थी पशु पेड़ पौधों से संबंधित जानकारी दे रही थी, अब मैं बात करने जा रही हूँ वन में प्राणी, ठीक है बच्चों, यानी फौना। तो वन प्राणी के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। तो बच्चों वन्य जीव या वन्य जंतु से आशय वनों में होने वाले उन जीव जंतुओं से है जो वनों में तथा पेड़ पौधों पर स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं तथा प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं, जैसे कि शेर, बाघ, हाथी, हिरण, नीलगाय, घेंटा, वन भैंसा, हंस तथा अन्य पक्षी, चिड़िया, चूहे, कीड़े मकोड़े आदि। तो वन्य जीवों के प्रति जागरूकता सृजित करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र सभा ने प्रति वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। 3 मार्च को क्या है जो विश्व वन्य जीव दिवस मनाने का निश्चय किया है, मनाने का निर्णय दिसंबर 2013 में महासभा के 68वें सत्र में किया गया। तो भारत में अनेकानेक प्रकार की पारिस्थितिकी तथा भौगोलिक रचनाएं पाई जाती है, यही कारण है कि यहाँ अनेक प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु भी पाए जाते हैं। विश्व में पौधों की 11.5 लाख प्रजातियों में से 15,000 तथा जीव जंतुओं की 15 लाख प्रजातियों में से 92037 प्रजातियां भारत में पाई जाती है। अफ्रीकी, यूरोपीय तथा दक्षिणी पूर्वी एशियाई जीव जैव तंत्र के संगम पर स्थित होने के कारण भारत में इनमें से प्रत्येक जीव जैव तंत्र के अनोखे जीव जंतु तथा पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार की देसी वनस्पतियां तथा प्राणी भी पाए जाते हैं। लक्कड़, बगला व चिंकारा अफ्रीकी मूल के हैं, जबकि भेड़िया, जंगली बकरी तथा हंगर यूरोपीय मूल के हैं। ऊलक, गिबन तथा हाथी दक्षिणी पूर्वी एशियाई प्राणियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारत के देसी प्राणियों में डीच, काला मृग एवं चौसिंगा प्रमुख है। भारत में पक्षियों की लगभग 12,000 प्रजातियां तथा 900 प्रजातियां पाई जाती हैं। विलक्षण एवं बहुरंगी पक्षी मोर जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, बाघ देश का राष्ट्रीय पशु है। दक्षिणी अमेरिका को छोड़कर भारतीय पक्षियों की विविधता संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। सारस तथा विश्व का दूसरा सबसे भारी पक्षी मुकना प्रमुख पक्षियों में से एक है। कच्छ के रण में 5 लाख हंसावर पक्षी घोंसले बनाकर अंडे देते हैं। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान जो कि राजस्थान में 2.5 लाख पक्षियों का रैन बसेरा है। तो जैव विविधता की अवधारणा का